दिल की ये धड़कन सही थम सी गई दिल ये न माने के तुम खुद वही हो वक्त रुका हो जैसे चलता नहीं हो गुम है किसी के प्यार ये जंगली मुर्गी यहाँ क्या करने आई है? इसे तो अपनी बेटी के पीछे पीछे आना ही था। मैं सांगितलो होता ना, ये इस घर में आने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सभी विराट, तुम उस पे ध्यान मत दो, पार्टी पे ध्यान दो, मैं देखती हूँ उसे। नहीं विराट, मैंने कहा ना, मैं देखती हूँ उसे। तुम अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ, आज का दिन तुम दोनों का है। अपने काकू की इतनी भी बात नहीं मानेगा? प्लीज स्माइल, इतना काफी नहीं था? विराट, जब मैं वहां गया था सभी को लेने के लिए, तब भी उसने तमाशा किया था, और अब यहां आई तो फिर से तमाशा कर रही है। ऐसा नहीं है विराट, अपनी बेटी के लिए परेशान होकर यहां आना एकदम जायज है। पर मैं हूं ना यहां पर, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मेरे होते हुए मैं सभी के साथ कुछ भी गलत होने दूंगा यहां पर? यहाँ क्या करने आई है? मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे चिल्लाने की? आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि वो छोटी सी बच्ची है? क्या बकवास कर रही है तू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। विनायक ने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने खुद सुना है आपको सभी पे चिल्लाते हुए। देखिए, आज मेरे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह है, आज के दिन में कोई तमाशा नहीं चाहती। बिना बात के बखेड़ा मत खड़ा करो, हमारे सारे लोगों के खुशियों पर पानी मत फेरो। और ऐसा कुछ भी नहीं कहा है बहनी ने जो तुम सोच रही हो। विराट, जब तुम सही पर इतना भरोसा नहीं करते कि वो तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य से बात करे, तो सही भी अपने ही परिवार के सदस्य अपनी बेटी के मामले में तुम पर भरोसा क्यों करेगी? एक बार तुम खुद को सही की जगह पर रख के देखो। अगर तुम भी विनायक के लिए परेशान रहते तो तुम भी यही करते ना विराट, इसलिए प्लीज ऐसा मत सोचो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, जब वेनू किसी भी ट्रिप पे जाता है तो उसके टीचर्स होते हैं ना उसके साथ, फिर भी तुम उसके लिए परेशान रहते हो ना? रहते हो कि नहीं? और यहाँ सई ने अपनी बच्ची को यहाँ तुम्हारे साथ भेजा है, तो उसकी चिंता बिल्कुल जायज है। विराट, तुम और सई एक ही नाव पे सवार हो। बिल्कुल नहीं, सही और मैं एक नाव में सवार नहीं है। हम दोनों एक नाव में कभी सवार हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपने भाई के कातिल से मदद नहीं ली है। विराट, ये वो सही है ही नहीं जो हमारा घर छोड़कर गई थी। मैम, अगर आपको लगता है जिस घर में मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है मैं वहां शांति से खड़ी रहूंगी, तो वो आपकी गलत फहमी है। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ, प्लीज उसे बुला दीजिए। सभी सभी बेटा, आप ठीक हो? किसी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। आई देखो, आई मेरा न्यू फ्रॉक। क्यों, अभी कुछ बोलना बाकी है?
रवि बेटा, आप पे इन आंटी ने चिल्लाया था? हाँ चिल्लाई तो थी, लेकिन वो संगल ने उनको तट दिया। आपको पता है वो संगल ने केक कट करके सबसे पहले हमको तो खिलाया। कर लो खुश, आता नहीं क्यों? पत्रलेखा और विराट का ये खास दिन है, उसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। चलो बेटा चलेंगे। नहीं अभी तो बातें शुरू हुई है, मुझे सबका डांस सीखना है। सभी बेटा आपने देख लिया ना केक कट हो गया, बस अब चलो अब घर चलेंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे विनायक के साथ और खेलना है। बाहर कौन आया है? पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है। डॉक्टर आंटी आप सभी को थोड़ी देर और यहाँ पे रहने दो ना प्लीज, और आप मुझे अपने घर पे कितनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाती हो, आज आप मेरे घर आए हो तो फिर कुछ खाओ ना प्लीज, वरना मम्मा नाराज हो जाएंगी। नहीं बेटा हम नहीं रुक सकते यहाँ प्लीज। नहीं मुझे नहीं दाना, मुझे नहीं दाना मतलब नहीं दाना। सही रुक जाओ ना, अभी बच्चे भी कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं रुक सकती। आप मेरी आई को जानते हो? हाँ बेटा मैं आपकी आई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि उनके लिए यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। वैसे तो तुझे बच्चों की बहुत परवाह होती है, अब ये कह रही है तो इसे रहने दे। मैं तो कहती हूँ कि तू दरवाजे तक आ ही गई है तो तू भी अंदर आ जा। मोहिनी का? मोहिनी क्या कह रही हैं आप? मोहिनी शायद बहुत सारे मेहमान घर पे हैं ना इसलिए। आपकी मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सभी बेटा चलो घर चलो। आई तो इसे लुकता हूँ ना। सभी मैं तो तेरी आई से कह रही हूँ कि यही रुक जाए, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं है। एक काम कर तू ही रुक जा। सभी यहाँ नहीं रुकेगी, वो भी मेरे साथ जाएगी। सभी चलो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। सभी सभी बाड़ा वापस आओ। सभी क्यों मासूम बच्चों का दिल तोड़ रही हो? अभी यहाँ दरवाजे तक आई हो तो तुम भी अंदर आ जाओ। वहनी अगर वो नहीं आना चाहती तो फिर जाने दीजिए ना। सही इतने सालों बाद आई हो और वहनी इतना कह रही है तो रुक जाओ बच्चों की खातिर। सही काकू और बाबा ठीक कह रहे हैं, किसी और नाते से ना सही कम से कम वीनू की डॉक्टर होने के नाते ही तुम अंदर तो आ ही सकती हो।
अभी अंदर क्यों आ रही है? अंदर आना ही था तो इतना नाटक क्यों किया उसने? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि काकू ने उसे अंदर आने ही क्यों दिया, और अगर काकू ने अंदर आने दिया तो ये मान क्यों गई? अपनी बेटी के लिए विराट, उसने सभी को यहाँ खुश देखा, वो हंस खेल रही थी, इसलिए अपनी बेटी के खातिर वो मान गई। तुम भी तो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हो ना, वीनू की खुशी के लिए। तुम भी तो सही के घर गए थे विराट। अब बात तुम्हारी, मेरी या सही की नहीं रही है, अब बात हमारे बच्चों की है जो इस वक्त एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, इसीलिए हमारे बच्चों की खातिर कुछ देर के लिए तुम सही को ही बर्दाश्त कर लो। तुम ऐसा कुछ मत करना बच्चों के खातिर प्लीज। अगर काकू ने सही को अंदर बुला भी लिया तो उसमें क्या गलत किया है? सही वेनू की डॉक्टर है, और अगर तुम भी चाहते हो ना कि तुम सही को एक डॉक्टर की नजर से देखो तो तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा विराट। अगर तुम अपने आज को अतीत का चश्मा लगाकर देखोगे ना तो तुम्हें हर चीज में दिक्कत ही नजर आने वाली है, इसीलिए चश्मा उतारो तो तुम्हें सब साफ नजर आएगा कि तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो। तुम्हें सही की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ ये कह देने से कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सच नहीं बदल जाता। साफ नजर आ रहा है विराट कि सही की मौजूदगी तुम्हें कितना अफेक्ट कर रही है। क्या तुम सही को एक डॉक्टर के रूप में नहीं देख सकते? खामखा तुम सारी चीजों को इतना उलझा क्यों रहे हो? आपने क्या कर दिया वहनी? जिस सभी को आप घर में लाने के खिलाफ थी उसी की आई को आज अपने घर के अंदर बुला लिया। क्यों? अश्विनी, मैं अपनी बात करते देख सकती हूँ, अपनी नाक नहीं। सही यहां दरवाजे तक पहुंच गई थी, लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था, और बातों का बतंगड़ कब बन जाए इसकी कानों कान खबर नहीं लगती। सही को अगर मैं घर में नहीं बुलाती तो दुनिया के सामने मेरी छवि कैसे लगती? महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाली भवानी नागेश सुवान ने अपने घर की भूतपूर्व बहू को घर में नहीं बुलाया। वो बहू जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वो जब लौट कर आई तो भवानी चव्हाण ने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। सर, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो मैं आपके घर के अंदर जाके अपनी बेटी को ढूंढ सकती हूँ। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ अंदर चली गई है, मैं बस उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको अंदर लेके चलूं? मुझे पता है वो दोनों ऊपर टेरेस में खेल रहे होंगे। अश्विनी, वो अपनी बेटी को ढूंढेगी और चली जाएगी, तू शांत हो जा। अरे बस थोड़ी देर की बात है विराट। ये जो तुम्हारे सामने है ना, वो सभी की आई है जो बस अपनी बेटी को थोड़ी देर में लेकर यहाँ से चली जाएगी। अगर तुम इस बात को इतना ही रहने दो ना तो ही अच्छा रहेगा। आज के दिन सभी को इस घर में देख के विराट और पत्रलेखा के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच सकती है, पर खासकर पत्रलेखा के दिल की। उन दोनों का रिश्ता अब भी नाजुक है, तुमको इस बारे में तो सोचना चाहिए था। मामैनी, मैंने नहीं सोचा, और तुझे भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट के मन में सही के लिए कोई जगह नहीं है, और ये बात उसने डंके की चोट पर कही है। और पत्रलेखा ने तो खुद सही को अपने वीनू के इलाज के लिए यहाँ बुलाया है, और वो सही के घर में आने की तरफदारी ही कर रही थी। ये सब तेरे नजरों के सामने हुआ है ना? फिर अच्छा, अब इस बात को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, तुम मेहमानों को देखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वहीं
आपने आज जो भी किया, वजह कोई भी हो, लेकिन आपका फैसला एकदम सही था। सभी सभी, ये क्या तरीका है बेटा? आप अपनी आई को सबके सामने ऐसे शर्मिंदा करोगे? सब लोग क्या सोचेंगे कि आप अपनी आई की बात नहीं मानते? अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? और जब आई अपनी बेटी की बात ना सुने तो वो गलत बात नहीं होती? दिया मसाला, आप मुझे सबसे वापिस गिरा ले हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन ले हो आई? सभी बेटा, मैं आपकी आई हूँ ना, क्या मैं आपका कभी भी बुरा चाहूंगी? और आप मेरी बात नहीं मानोगे? मान सकती हूँ, लेकिन मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, आपको अभी नहीं जाना, आपको अभी पार्टी में रुकना है, अभी आपको सबका डांस देखना है, फिर चलोगे डांस देखने के बाद? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और सॉरी आई मैं बैड मैथ्स सिखाइए। इट्स ओके। आई ये कितनी अच्छी जगह है ना, ये विनायक के घर की सबसे बेस्ट जगह है। ये देखो, आई आपको बताए, मैं और मीनू सोच रहे हैं हम से हमारा रास्ता बना ले। हेलो मिस मिर्ची, सच कहूं आज तुमने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया। सभी बेटा, कभी भी ना वो सपने नहीं देखने चाहिए जिन्हें पूरा करने में तकलीफ हो। क्यों? फिर कभी समझाऊंगी। वहिनी, सही घर में तो आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार आना शुरू कर दे। नहीं सुनानी, आज तो वो आ गई है, लेकिन अगली बार आने से पहले हजार बार सोचेगी। बस कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे वहिनी। बखेड़ा तो खड़ा होगा, लेकिन वो बखेड़ा सही नहीं, हम खड़ा करेंगे। तुझे क्या लगा मैंने सिर्फ लोग लाज की वजह से सई को घर के अंदर बुला लिया? नहीं, मैं उसे दिखाना चाहती थी कि अब विराट और पत्रलेखा एक है। आज वो विराट और पत्रलेखा के आपस में उमड़ते प्यार को देख के खून के आंसू रोएगी। वैसे भी ये धूमधाम, ये सालगिरह का जश्न मैंने सई को दिखाने के लिए तो रखा है। जब से वो नागपुर में आई है, उसे दिखाना चाहती थी कि विराट और पत्रलेखा आपस में कितने खुश हैं और हम सब उनके साथ कितने खुश हैं। अब वो इस घर में आ ही गई है तो उसे नजारा भी देखने देते हैं? वहिनी, आपके ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में कुछ भयंकर चल रहा है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.